नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हॉलीवुड का हॉरर कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका नाम है जेनिफर्स बॉडी, जो 2009 में रिलीज हुआ था और इसको आईएमडीबी रेटिंग मिला था 5.3, तो वही 86% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मूवी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे और नए वीडियो बना पाऊँ। मूवी की कहानी पहले दिखाई देती है फिल्म के लीड कैरेक्टर अनीता नेटी, एक पागलखाने के अंदर जो एग्रेसिव स्वभाव का होती है, और खाना खाने के एरिया में वो एक नर्स को लात मार देती है और मुँह पर थूक भी देती है और अनीता को एक डार्क रूम पर अकेली रख देती है एज अ पनिशमेंट। अब अनीता वो डार्क रूम के बारे में सोचती है और वो अपने दोस्त के बारे में भी सोचती है जिसके साथ उसका खास दोस्ती होती है, और मूवी फ्लैशबैक पर दिखाना शुरू होता है। वो दोनों दोस्त एक गांव डेविल किट के रहने वाली होती है और उस गांव पर एक सुंदर झरना भी होता है जिसका पानी बहकर एक सिंक होल पर जाता है, और ये एक मिस्ट्री होता है कि ये होल से पानी कहाँ जाता है, और साइंटिस्ट भी इसका राज जान नहीं पाए होते हैं। फिर दिखाती है जेनिफर चेयर लीडर के यूनिफॉर्म में जो ब्यूटीफुल होती है, और दूसरी ओर अनीता नेडी जेनिफर के बिल्कुल अपोजिट एक नट और आदतों में भी बिल्कुल अलग। नेडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है पर वो जेनिफर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और एक दिन जेनिफर नेडी को एक पार्टी पर जाकर मस्ती करने को बोलती है और नेडी भी बॉयफ्रेंड को छोड़कर जाती है। वो पार्टी पर जेनिफर एक बैंक मेंबर निकोलाइट से अट्रैक्ट होती है और ड्रिंक ऑफर करती है। जेनिफर ड्रिंक लेने जाती है तभी निकोलाइट उसके बारे में एक दोस्त से बात करता है और सामने हुए नेडी सुन लेती है और उसको पसंद नहीं आता है और जेनिफर को बताती है, पर जेनिफर इग्नोर करती है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है तभी अचानक वहाँ आग लग जाता है और सब अपना जान बचाकर भागने लगता है। नेडी भी जेनिफर को बचाकर बाहर आ जाती है। आग बहुत फैला हुआ होता है तभी निकोलाइट आकर जेनिफर को उसके साथ जाने को बोलता है। जेनिफर नेडी का लाख मना करने पर भी वैन पर बैठकर चली जाती है और नेडी खड़े खड़े देखती रहती है। घर आकर नेडी अपने बॉयफ्रेंड से जेनिफर के बारे में बात करती है और रेप वगैरह ना हो बोलकर टेंस होती है। तभी बाहर बेल रिंग करता है। अनीता डोर खोलकर देखती है पर बाहर कोई नहीं होता है। अंदर आने के बाद नेडी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो चेक करने जाती है तभी जेनिफर वहाँ दिखाई देती है जिसके मुँह पर खून लगा होता है और फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। जेनिफर फिर अनोखा आवाज़ करती है, बाद में काला खून का उल्टी करती है और वहाँ से जाती है। नेक्स्ट डे नेडी क्लासरूम पर कल रात की घटना पर सोच रही होती है और जेनिफर के लिए भी परेशान होती है। तभी जेनिफर क्लासरूम पर पूरे फ्रेश खिली खिली होकर आती है और नेडी उसको देखकर चौंक जाती है। क्लासरूम पर टीचर आकर कल रात क्लब पर मरे हुए आदमियों के बारे में बात करते हैं। तभी जेनिफर उसको स्माइल देते दिखती है और टीचर का मजाक उड़ाती है। जेनिफर का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हुआ होता है जिसको देखकर नेडी परेशान होती है। अब नेडी अपने बॉयफ्रेंड को ये बात शेयर करती है और रात वाली बात भी बताती है। फिर कहानी पर जेनिफर जाकर स्कूल के फुटबॉल कैप्टन से मिलती है जो उस आग पर अपने दोस्त को खोने से दुखी होता है। जेनिफर उसको फिर स्कूल के पास वाले जंगल की ओर लेकर जाती है, किस करने लगती है तभी वहाँ जंगल के बहुत सारे एनिमल आ जाता है और जेनिफर इग्नोर करने को बोलती है और अचानक से उसका चेहरा भूतिया हो जाता है और जंगल में उस लड़के का चीख ही गूंजता है और उस चीख को प्रोफेसर सुनकर देखने आता है, तो तभी वो लड़के का बॉडी को एनिमल खा रहा होता है। नेडी और जेनिफर फ़ोन में बात करते हुए नेडी जेनिफर को कम समय पर अनोखा चीज़ें होने का बात बोलती है। तभी जेनिफर रेस्पॉन्स पर तुम चिल करो बोलती है और लाइटर से मिरर के आगे बैठकर अपना जीभ को आग लगाती है, पर उसके जीभ को कुछ भी नहीं होता है और बोलती है आई एम अ गॉड। फिर दिखाता है क्लासरूम पर जहाँ जेनिफर थकी थकी सी होती है और नेडी उसको क्या हुआ बोलकर पूछती है।
फिर एक लड़का जेनिफर को मूवी का ऑफर करता है। जेनिफर उसको नहीं बोल देती है और उस लड़के को रात को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर पर मिलने को बोलती है। वो लड़का भी रात को वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि जेनिफर नॉर्मल नहीं है। तभी जेनिफर उसको मार देता है और उसका मांस खाना शुरू करती है। नेडी भी अपना बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसको अचानक सीलिंग पर खून दिखाई देती है और उसको लगता है कि जेनिफर किसी मुश्किल पर है और वो जल्दी जल्दी घर से निकलकर कार ड्राइव करके जा रही होती है। तभी अचानक रोड के बीचों बीच जेनिफर खून से लथपथ दिखाई देती है और कार के ऊपर जंप करती है। ये देखकर नेडी घबरा कर घर आती है और बेड पर जाती है, पर जेनिफर पहले से ही उस बेड पर होती है। ये देख नेडी कंफ्यूज हो जाती है और जेनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर जेनिफर नेडी को उस पार्टी वाले रात के बारे में बताती है कि उस रात उस लड़के ने उसके साथ क्या क्या किया। असल में वो बैंड के लड़के अपने सक्सेस के लिए ब्लैक मैजिक करने वाला होता है और उन लोगों को एक वर्जिन लड़की का बलि देना होता है वही मिस्टीरियस झरने में। वो लोगों को जेनिफर भी वर्जिन है तभी मौका देखकर वो लोग जेनिफर को मार के वहाँ जाने पर फेंक देता है, पर एक्चुअल पर जेनिफर वर्जिन नहीं होती है इसीलिए वो जिंदा बच जाती है, पर उसके बॉडी अब इविल का गुलाम होता है। उस रात के बाद वो बैंड मेंबर फेमस हो जाता है और जेनिफर एक शैतान। और जेनिफर फिर बोलती है कि उस रात बचने के बाद मुझे भूख लग रही थी और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसीलिए मैं तुम्हारे घर कुछ खाने को आई थी। फिर बताती है कि मुझे इंसान का मांस खाने में एक अनोखा शांति मिलती है और फिर अपने हाथ काट कर दिखाती है जो अपने आप ठीक होती है। जेनिफर अब शैतान बन चुकी होती है। ये सब देखकर नेडी जेनिफर को वहाँ से जाने को बोलती है। जेनिफर भी दो माले ऊपर से खिड़की से छलांग लगा कर गायब हो जाती है। अगले दिन नेडी लाइब्रेरी जाती है और पैरानॉर्मल की किताब को पढ़ने लगती है और उसको पता चलता है कि बैंड मेंबर्स ने गलत बलि दी थी और जेनिफर को ठीक करने के लिए जेनिफर के दिल पर चाकू मारना होगा। ये सब नेडी अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करती है, पर चिप नेडी के बातों को ध्यान नहीं देता है और किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है। और नेडी ये भी जान गई थी कि जेनिफर को सुंदर और स्वस्थ रहने के लिए इंसान का मांस खाना होता है। कुछ दिन के बाद एक प्रोग्राम होने वाला होता है। जेनिफर किसी का भी शिकार कर सकती है इसीलिए नेडी बॉयफ्रेंड को वहाँ नहीं आने को बोलती है, पर बॉयफ्रेंड हंसकर इग्नोर करता है। प्रोग्राम के दिन नेडी बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, पर चिप वहाँ पर नहीं आता है और जेनिफर भी दिखाई नहीं देती है। फिर नेडी टेंस होकर भागते भागते चिप के घर पहुंचकर पूछती है। तभी चिप की माँ वो तो कुछ देर आगे कॉलेज फंक्शन के लिए निकल गया बोलती है। उधर जेनिफर के मुलाकात चिप से होता है और चिप को नेडी के खिलाफ भड़काने लगती है और फिर एक खंडर की ओर लेकर जाती है। जेनिफर मारने से पहले सीड्यूस करती है, पर चिप नेडी के साथ लॉयल होता है और जेनिफर को रोक देता है। इसे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और चिप को पुल पर गिरा देती है और अटैक करती है। चिप को ढूंढते वहां पहुंचती जाती है नेडी, जहां पर जेनिफर एक भयानक चेहरे में चिप का गला काट रही होती है और ये देखकर नेडी पुल पर कूद जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है। फिर नेडी और जेनिफर पर फाइट होता है। नेडी जेनिफर के आंख पर स्प्रे मार देती है। जेनिफर गुस्से से मैं लड़के का नहीं लड़की का भी शिकार कर सकती हूँ बोलकर हवा में उड़कर नेडी को अटैक करने वाला होता है। तभी चिप एक रॉड से जेनिफर के पेट पर घुसा देता है जिससे जेनिफर का काफ़ी खून निकलता है और वो वहाँ से जाती है। नेडी अपने मरते बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और बॉयफ्रेंड भी वहीं दम तोड़ देता है। नेडी को अब गुस्सा आता है, किसी भी हाल पर जेनिफर से बदला लेने को सोचती है और नेडी जेनिफर के घर जाती है और दोनों के बीच फाइट होता है और उसी फाइट पर जेनिफर नेडी के गले पर काट देती है और नेडी भी एक चाकू लेकर जेनिफर के हाथ पर मार देती है और जेनिफर मर जाती है। पर वो झगड़े का आवाज़ सुनकर जेनिफर का माँ वहाँ आ जाती है और देखती है कि नेडी ने जेनिफर को मार दिया है और कहानी बैक वही मेंटल हॉस्पिटल पर दिखाई देता है। क्यों नेडी वहाँ थी और नेडी वो काटने की वजह से डिफरेंट बिहेवियर करने वाली होती है, जहाँ पर नेडी सुपरनेचुरल पावर वाला बन गई होती है।
निडी अपना पावर से उस जेल का खिड़की तोड़कर भाग जाती है और वहीं झरने पर जाती है जहां पर निकोलाइट ने जेनिफर का चाकू मारकर वो चाकू वहां फेंका होता है। निडी चाकू वहां से उठाती है और एक कार पर लिफ्ट लेकर वो बैंड के कंसर्ट पर जाती है। बैंड मेंबर कंसर्ट खत्म करके रूम पर मस्ती कर रहे होते हैं पर कोई उन लोगों का बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या करता है, पर बाद में प्रूफ हो जाता है सीसीटीवी से जहां पर निडी उसी रूम से आ रही होती है। इसी पर मूवी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।